20वीं शताब्दी में, जिसे रासायनिक युग का नाम दिया गया है। तो 20वीं शताब्दी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को रसायन पर जाना पड़ा, हम लोग सारी देसी चीज़ें छोड़कर, प्राकृतिक चीज़ें छोड़कर सडनली केमिकल पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह थी जनसंख्या विस्फोट। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या इस तेज़ी से बढ़ी कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी है तो खेत, तो जो खेत है उसमें जो पौधा है वो तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही दे सकता है, लेकिन उससे पैदावार बढ़ाने के लिए हमने उसको फोर्स किया, या फिर खेत में जो चीज़ें कम थी हमने उन्हें डालकर पूरी तरीके से पैदावार लेने की कोशिश की, ठीक है। तो हमने जनसंख्या विस्फोट को देखा यहाँ पर कि 1950 तक आते आते जनसंख्या जो है वो पूरी एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू की। यहाँ से लेकर 18वीं शताब्दी में हम देखते धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ तक आते आते जनसंख्या एकदम एक्सपोनेंशियल बढ़ने लगी। और 1950 के बाद दशक में जो है 1970 1980 में बहुत तेज़ी से बढ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ी। और यहाँ से घटता क्रम शुरू हो गया, यहाँ तक कि ये जनसंख्या का बढ़ता क्रम था पूरा, मतलब ऊपर की तरफ कर्व मुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ से आते आते घटता क्रम शुरू हो गया, लेकिन अभी भी घटना शुरू नहीं हुई है, ठीक है। घटने की दर कम हुई है लेकिन घटना शुरू नहीं हुई है, अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं 2020 के आसपास में अभी भी जनसंख्या हमारी 800 करोड़ या 8 बिलियन के लगभग है, 9 बिलियन के लगभग है, ठीक है। तो इस बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए साइंटिस्ट को खेतों की साइज़ बढ़ानी पड़ी, मैकेनाइजेशन करना पड़ा, और भी बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े जो हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या परिवर्तन किए खेती में और उन समय क्या मिला, ठीक है, उनसे हमें क्या अच्छा मिला, क्या बुरा मिला, हम सारा कुछ समझेंगे। तो आपकी जो समस्या है वो अब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा उसमें आपको सारी समस्याएं पता चलती जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड वाइज इंस्टीट्यूट कहता है कि दुनिया के 74% मुर्गे, 43% गोमांस और 68% अंडे फैक्ट्री फार्म से आते हैं। मतलब फैक्ट्रियाँ किसकी लगती है ज़्यादातर? मशीनों की लगती हैं, इम्प्लीमेंट्स बनाने की लगती हैं, खिलौने बनाने की लगती हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे सामान बनाने की लगती है। लेकिन साइंटिस्टों ने 20वीं शताब्दी तक आते आते जीवों की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, जिसमें मुर्गे लाखों की तादाद में मुर्गे फैक्ट्री के रूप में रखे जाने लगे और पैदा किए जाने लगे, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में गायें और भेड़ बकरी रखे जाने लगे और उनसे मांस पैदा किया जाने लगा और लोगों को खिलाया जाने लगा, मछलियाँ पाली जाने लगी अरबों खरबों की तादाद में, मछलियों के बड़े बड़े फार्म बनाए गए और ये जो है फैक्ट्री फार्म्स बनाए गए, ठीक है। तो मतलब हम इस लेवल तक पहुंच चुके थे प्रोडक्शन की या पैदावार करने की कि हमने सारी हदें पार कर दी, हमने उनकी संख्या में हदें पार कर दी, हमने उनकी साइज़ में हदें पार कर दी, हमने केमिकल के यूज़ में हदें पार कर दी, हमने हमने किसी चीज़ को नहीं बख्शा, हमने प्रकृति को बिल्कुल छोड़ दिया, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सिर्फ लग गए पैदावार बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि पैदावार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा पैसा आएगा, बिल्कुल सही बात है, पैसा आता है तो उन्नति आती है, लेकिन वो पैसा किस तरीके से आ रहा है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। उस समय में शायद वो ज़रूरी हुआ होगा तो लोगों ने किया, लेकिन क्या अब भी वही ज़रूरी है? अब कंडीशन बदल चुकी हैं तो कैसे बदल चुकी, कितनी बदल चुकी है हम वो आगे देखेंगे। हम पहले यहाँ अभी देख लेते हैं कि 20वीं शताब्दी में रासायनिक युग में जो बड़े बड़े काम हुए वो क्या हुए। तो उसमें सबसे पहला था 1903 में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो होने लगा, सिंथेटिक उर्वरक का उत्पादन किया गया और इस्तेमाल होने लगा। और 45 तक आते आते तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया, खास करके फॉरेन में, ठीक है। इंडिया में तो खैर वो थोड़ा लेट आया था, वो कब आया था हम देखेंगे। फिर 1950 में तो साइंटिस्ट इस हद तक जा चुके थे कि वो फसलों के जीन के अंदर घुस गए, गुणसूत्र में बदलाव करने लगे, जिसे जीन हेयर फेयर कहते हैं, जीन मैनिपुलेशन कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने ये तक अंदाज़ा लगा लिया था कि मिट्टी पर लगातार केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या बेकार हो जाएगी, वो पैदा देने लायक नहीं रहेगी, और जब वो नहीं रहेगी तो हम खेती कहाँ करेंगे, हम लोगों का पेट कैसे भरेंगे। तो साइंटिस्टों ने हाइड्रोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी कि पानी के अंदर खेती कैसे करते हैं, घर के अंदर पाइप लगाकर उसमें पानी चलता है और उस पानी में खेती कैसे की जाती है। साइंटिस्ट 1950 में ये चीज़ें तक ढूंढ चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया केमिकल के इस्तेमाल से नुकसान होता है। बस वो ये कहते रहे कि आप केमिकल का यूज़ करो, पैदावार बढ़ाओ और सबको पेट भरो, सबका पेट भरो, और हम लोगों ने वही किया, ठीक है। तो ये हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम था पूरे विश्व के कृषि के इतिहास में, ठीक है, जो कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग लेके आए थे
1970 के दशक में इन्होंने हमें खास करके 6 चीज़ों से हमारा परिचय करवाया, जिसमें था अनाज की उच्च उपज देने वाली किस्में, ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों का विकसित करना, उसके बाद संकर बीज, हाइब्रिड सीड जिसे कहते हैं, उसके बाद रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल और सिंचाई के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल, जिसमें नहरीकरण खास करके आता है, नहरें बनाने का काम जो हुआ वो तेज़ी से हुआ, और प्रबंधन की तकनीकों का आधुनिकीकरण। ठीक है, तो हमारे भारत में जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत में भी आयात हरित क्रांति और सॉरी केमिकल का यूजेज शुरू हुए थे, तो 1966 में हमारे और 67 में हमारे यहाँ पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इंडिया में हरित क्रांति लेकर आए, इन्हें हरित क्रांति के पितामह बोला जाता है हमारे भारत में। ठीक है, तो 66 और 70 के दशक में हमारे यहाँ हरित क्रांति शुरू हो चुकी थी और उसमें हमने वही सारी चीज़ें की, हाई यील्ड वेराइटीज़, हाइब्रिड, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स और नहरें बनाना, और ये सारे प्रोजेक्ट 1970 के दशक के बाद शुरू हुए। ठीक है, तो हम पहले 2 पॉइंट्स लेते हैं जो दोनों बीजों से संबंधित है, उसमें है अनाज की उच्च उपज देने वाली किस्म और संकर बीज। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें का साइंटिस्ट करते क्या, उसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें बाकी की जो समस्या है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याओं की जड़ यहाँ पर भी थी, इससे फ़ायदा भी था और समस्या भी थी। ठीक है, तो अनाज की उच्च उपज देने वाली किस्म कैसे बनाई जाती है, अक्सर उसके लिए क्या करते हैं कि 2 पौधे को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पौधा है ए, जिसमें कि कृषि कार्यों के प्रति खराब प्रतिक्रिया, मतलब आप इसमें इंटरकल्टीवेशन करेंगे या फिर इसमें यूरिया देंगे और पानी देंगे तो इस पौधे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी चाल के हिसाब से ही उगता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि अगर टाइम पर बारिश नहीं हुई या बीमारियां लगने लगी तो ये फिर भी पैदा कुछ न कुछ दे देता है, ये इसकी क्षमता है, ये रोग प्रतिरोधक या तनाव प्रतिरोधी क्षमता वाला है। ठीक है, ये तनाव को सहन कर सकता है। वहीं बी पौधा है, एक ये वाला है, ये पौधा है बी, जो कि कृषि कार्यों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया, मतलब आप यूरिया डालोगे बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा, पानी डालोगे तुरंत हरा भरा हो जाएगा, तनाव संवेदनशील है लेकिन तनाव बिल्कुल सहन नहीं करता, थोड़ा सा पानी की कमी होगी पौधा मरने लगता है, पैदा नहीं देगा। ठीक है, साइंटिस्टों ने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, दोनों के जीन लेकर आए इस पौधे में, फिर इस पौधे को इससे क्रॉस किया, फिर इसका जो जनरेशन है उसको इससे क्रॉस किया, फिर ऐसे करते 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 करते, क्योंकि उन्हें ये हमारे हाथ में रहता है, कृषि कार्यों का जो प्रतिक्रिया लेना है वो हमारे हाथ में, लाइक यूरिया देना, खरपतवार निकालना, इंटरकल्टीवेशन करना, दवाइयाँ छिड़कना, ठीक है, ये हमारे हाथ में रहता है। तो साइंटिस्टों ने इसके गुण ज़्यादा लिए और उसका सिर्फ एक गुण लेना था, तनाव प्रतिरोधी गुण, तो ऐसे करते करते 5-6 जनरेशन तक जाते जाते 97% गुण इसके हो गए, कृषि कार्यों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया, और 3% गुण आ गए हमारे तनाव प्रतिरोधी क्षमता वाले। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने एक पौधा बनाया जो कि आप कुछ भी करोगे तो अच्छी पैदावार देगा ये, क्योंकि इसमें जब यूरिया डालते हैं तो अच्छा हरा भरा हो जाता है, पानी डालते हैं अच्छी पैदावार देता है। ठीक है, और तनाव प्रतिरोधी है ही, पानी कम भी पड़ गया तो भी पैदा दे देगा। ठीक है, वैसे ही ऐसे ही कुछ और तरीके थे जिनका इस्तेमाल करके वेराइटियाँ बनाई जाने लगी, कुछ उपज देने वाली किस्में बनाई जाने लगी, और आज हम यूज़ करते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ऐसे ही कुछ हाइब्रिड्स बनाते हैं जो उसमें 2 इनब्रीड लाइन्स को क्रॉस करवा कर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बना के सेकंड जनरेशन का पौधा सेलेक्ट करके हमको दे दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ हाइब्रिड्स बनाए गए और हाइब्रिड्स और संकर बीज हमें दिए गए। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदे ये हुए कि जहाँ पहले हमारे एक खेत में हम दो बोरी या 3 बोरी पैदा लेते थे, उदाहरण के लिए मक्का की हम 1 बीघे में मान लो 4 बोरी पैदा लेते थे, तो हम वहीं मक्का की हाई यील्डिंग वेराइटी से 8 बोरी लेने लगे और संकर बीज आने के बाद तो हम 10 बोरी लेने लगे। तो फ़ायदा ये हो कि हम कम एरिए में ज़्यादा पैदा करने लगे, जहाँ हम गेहूँ 1 बीघे में शायद 5 बोरी उगा रहे थे तो हम जो हाई यील्डिंग वेराइटी थी 8 बोरी देने लगी, तो शायद संकर बीज हमको 15-20 बोरी देने लगा। तो इससे ये हुआ कि हमारी जो पैदावार थी वो बढ़ गई, हमारी जो जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसकी भूख मिटाने का हमको एक अच्छा जरिया मिल गया। ठीक है, ये हमें फ़ायदा हो गया, इसमें आप बहुत अच्छे से अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ये मक्का की एक वेराइटी है जिसकी लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है, लाइनें ज़्यादा हैं और इसका बीज मजबूत है, ये एक है जिसमें लंबाई ज़्यादा है, दाना कमज़ोर है और लाइन कम है, इन दोनों को क्रॉस करवा के तीसरा हाइब्रिड बनाया गया जिसमें लंबाई भी है, दाने भी मजबूत है और लाइनों की संख्या भी ज़्यादा है, ऐसे ही बैक क्रॉस करवा के कुछ और हाइब्रिड्स आगे बनाए गए। इसमें आपको अच्छे से समझ में आता है, समझ सकते हैं आप, 16 लाइन थी एक में 14 लाइन थी लेकिन इसकी लंबाई अच्छी थी, इसमें चौड़ाई अच्छी थी और दाना मजबूत था, दोनों को क्रॉस किया तीसरा हाइब्रिड बना जिसमें 18 लाइन है, लंबाई भी है, आपने देखा पिछले फोटो में लंबाई भी है और लाइनों की संख्या भी बढ़ गई, 18 लाइन हो गई है ना, वैसे ही क्रॉस करवा के आगे फिर और किया तो 24 लाइन हो गई,
24 लाइन हो गई तो प्रोडक्शन और बढ़ गया, कहाँ 16 लाइन या 14 लाइन और कहाँ 24 लाइन, सीधा डेढ़ गुना प्रोडक्शन हो गया। तो आप एक बीघे में जहाँ 4 बोरी कर रहे थे सीधा 6 बोरी करने लगे सोयाबीन। तो इस तरीके से आपकी पैदावार सीधी बढ़ गई, मल्टीप्लाई हो गई। वैसे ही आप संकर फसल और स्थानीय फसल किस्म में डिफरेंस देख सकते हैं कि संकर मिर्च में और स्थानीय किस्म में क्या डिफरेंस है। तो हाइब्रिड का फ़ायदा ये हुआ कि आप ज़्यादा पैदा करने लग गए हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और हाइब्रिड से, ठीक है। तो पहले जहाँ हम बहुफसली पद्धति इस्तेमाल करते थे, हमारा सिस्टम बना हुआ था कि पहले मक्का भी लगाना है, मक्का के साथ में उड़द लगाना है या चवला लगाना है या फिर कोई बेल वाली फसल लगाना है, ठीक है, या फिर ज्वार के साथ में अरहर लगाना है। ये थी हमारी बहुफसली पद्धति, ठीक है, जिसमें हम इंटरकल्टीवेशन या मिक्स फार्मिंग या मिक्सड क्रॉपिंग हम करते थे या इंटरक्रॉपिंग हम करते थे। ये एक इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो उदाहरण के थ्रू समझेंगे जिसमें हम मिक्सड क्रॉपिंग करते थे, जैसे कि उड़द और मक्का की, ठीक है। तो जो मक्का है वो 100 से 125 दिन की फसल होती है और जो उड़द होते हैं वो 70 से 75 दिन या 80 दिन की लगभग फसल होती है, ठीक है। मान लीजिए हमको इनको इंटरक्रॉप में लगा दिया, 4 लाइन उड़द की लगा दी और 2 लाइन मक्का की लगा दी, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, या फिर 2 लाइन उड़द 2 लाइन मक्का की हमने लगा दी, तो उसमें क्या होता था कि दोनों की जड़ों में फ़र्क था। पहले तो दोनों की जड़ों में फ़र्क ये था कि जो मक्का था उसकी उथली जड़ थी और जो उड़द था उसकी गहरी जड़ थी या टैप रूट थी, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता था कि मक्का जमीन की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेता था और उड़द जमीन की निचली सतह से पोषक तत्व लेता था, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों में फ़र्क ये था कि एक हमारी लेग्यूमिनस फसल थी, मतलब उड़द जो था वो जमीन में नाइट्रोजन छोड़ता था, जमीन से फिर 21 दिन लेता था, उसके बाद जब जड़ों में गठाने बन जाती थी तो जमीन में नाइट्रोजन छोड़ता था, उसकी जड़ों में जो गठाने होती थी वो जमीन में नाइट्रोजन छोड़ती थी, जिसका इस्तेमाल मक्का करता था क्योंकि मक्का को ज़्यादा यूरिया चाहिए, ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो उसका इस्तेमाल मक्का करती थी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को, तो उड़द ने मक्का को फ़ायदा दे दिया और मक्का उड़द को ये फ़ायदा देता है कि बारिश में अगर मान लो ज़्यादा थोड़ी सी बारिश होती थी तो मक्का उड़द में देसी उड़द होते थे उनमें बेल निकल आती थी, थोड़ी सी बेल चलती थी, तो बेल को चढ़ने के लिए जगह चाहिए थी तो बेल मक्का के ऊपर चढ़ जाती थी, तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे, ठीक है। तो दोनों का सिम्बायोसिस में काम चल रहा था। किसान को यह फ़ायदा था कि उड़द दाल भी मिल जाती थी, अनाज भी मिल जाता था और चारे वाली फसल भी मिल जाती, चारा भी मिल जाता था। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये था कि मान लीजिए कि बारिश कम हुई, मान लीजिए पूरे खेत में मक्का लगा दिया और बारिश कम हो गई, तो मक्का तो 125 दिन की फसल है, 150 दिन की फसल है या 100 दिन की फसल है, और 60 दिन पे बारिश ख़त्म हो गई तो मक्का सूख जाएगी, उसमें फसल पल दाना नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगी, ठीक है। तो उसमें पूरा नुकसान हो जाएगा किसान को, सिर्फ थोड़ा सा चारा मिलेगा। लेकिन जब उड़द लगा देते थे तो फ़ायदा ये होता था कि उड़द 60 दिन में लगभग पक जाती थी, उसका फ़ायदा ये होता था कि किसान को मक्का नहीं मिले तो नहीं मिली, एटलीस्ट उड़द तो मिल गया, तो कुछ तो दाना मिला उसको, उससे कुछ तो पैसा कमाएगा। तो इस तरह से जो वो जो सिस्टम था कि इंटरक्रॉपिंग वगैरह का या जो मिक्स्ड क्रॉपिंग का, वो एक दूसरे के सहयोग से काम करता था और उसमें आपसी खर्चे कम थे, ठीक है। प्लस उसमें क्या होता था कि उसमें ऐसा होता था कि कुछ इंसेक्ट्स या बीमारियाँ जो हैं वो सिर्फ मक्का में लगती थी और कुछ जो है सिर्फ उड़द में लगती थी। मान लीजिए कोई कीड़ा है जो सिर्फ मक्का में लग रहा, उड़द में नहीं लगता है, तो आपके जो आस पड़ोस में पक्षी होते थे वो उन मक्का के ऊपर बैठ कर उन कीड़ों को खा लेते थे। सोचिए आप अगर 10 बीघा ज़मीन है और 10 के 10 बीघा में मक्का लगा दोगे और आस पड़ोस में सिर्फ 100 पक्षी हैं, तो वो 10 बीघा में लगने वाले मक्का के कीटों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं पर अगर ये मक्का जो है वो सिर्फ 3 बीघे में होगी और बाकी की ज़मीनों में आप कुछ दूसरी फसलें लगाओगे, तो वो होगा ये कि वो मक्का में लगने वाले कीटों को जो आस पड़ोस के 100 पक्षी हैं या 100 घोंसले हैं उनके पक्षी कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको दवाई नहीं डालनी पड़ेगी। ये हो गया प्राकृतिक कंट्रोल, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि आज हम तोड़ चुके हैं। तो ये सारे हमारे जो पहले सिस्टम थे इनको क्या किया कि हमने तोड़ दिया, क्योंकि जब संकर बीज आया या हाई यील्डिंग वेराइटी जिसे कहते हैं उच्च उपज देने वाली फसलें आई, तो क्या हुआ कि किसान ने सोचा कि क्यों ना एक खेत में सारी फसल लगा तो ढेर सारी पैदा होगी, सबको एक साथ बेचो और सबको एक साथ पैसा आ जाएगा। और मैकेनाइजेशन भी होने लगा, मशीनीकरण होने लगा, तो मशीनीकरण के लिए तो भैया सारा एक जैसा खेत चाहिए, एक जैसी फसल चाहिए। तो हमने उन सबको छोड़ा, देसी बीजों को छोड़ा और हम आ गए सीधे इस पर, एकल फसल पर, सिंगल क्रॉप लगाओ जो भी लगानी है। तो होता ये है कि मान लीजिए 100 बीघे का एरिया है, इसमें 100 घोंसले हैं, ठीक है, तो 100 सोयाबीन का 100 बीघे का एरिया है मान लीजिए, ठीक है, कोई अलग अलग किसानों के खेत है लेकिन 100 बीघे के खेत हैं, तो उसमें आपने सोयाबीन लगा दी सबने एक जैसी, तो आपके यहाँ पर जो 100 घोंसले हैं वो
इल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सोयाबीन में लगने वाली सारी की सारी इल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर हो सकता है कि बीच में अगर आपने मूंगफली लगा दी होती, चवला लगा दिया होता, या फिर थोड़ी ज्वार लगा दी होती और थोड़ी और कुछ और फसलें लगा दी होती, तो शायद वो कीट, पहले तो वो कीट इतना बढ़ता नहीं, ठीक है, जितना इस सिंगल क्रॉप में बढ़ता है। तो वो जो है आपका पक्षी जो है वो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट कर लेते, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम एकल फसल पद्धति लाए रहे, एकल फसल पद्धति में भी खास करके हम लेकर आए, जो चूँकि भूख मिटाने के लिए सोयाबीन काफ़ी नहीं होता है, भूख मिटाने के लिए चावल और गेहूँ की ज़रूरत थी, तो हमने हरित क्रांति में चावल और गेहूँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और चावल और गेहूँ ही उगाए। तो हुआ ये कि आपने पूरा का पूरा चावल लगा दिया खरीफ क्रॉप में, तो चावल में लगने वाली बीमारी एक जगह लगी तो वो पूरी तेज़ी से फैली, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्लस सारी की सारी फसल जड़ के ऊपरी मिट्टी के ऊपरी क्षेत्र से भोजन लेती हैं, तो इसको नाइट्रोजन भी ज़्यादा चाहिए पैदा करने के लिए, तो आपने फर्टिलाइज़र देना शुरू किए, ठीक है। तो आपने चावल और गेहूँ वाली फसल पद्धति लेकर आए पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए, पूरे विश्व का पेट भरने के लिए, ठीक है। पंजाब का देखिए आप, यहाँ पर पहले चावल होता था खरीफ में, ये खरीफ फसल का मैप है चावल का, सेटेलाइट से लिया गया, जिसमें 51% क्षेत्र में चावल हो रहा था, बाकी में कॉटन है, शुगर कैन वगैरह है। फिर 70% ज़मीन पे गेहूं होने लगा, तो चावल की जगह गेहूँ बोओगे, जो कीट चावल में लगता है वही गेहूँ में लगता है, चावल उथला जड़ वाला है, गेहूँ भी उथला जड़ वाला है, ठीक है। चावल में जो बीमारियाँ लगती हैं लगभग लगभग वही गेहूँ में भी लगती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसी फसलें हैं, ठीक है। दोनों को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, दोनों की उथली जड़ें हैं, दोनों को ज़्यादा पानी चाहिए। तो हुआ ये कि आप पूरे पूरा सिंगल सिस्टम बना लिया, ज़्यादा पानी चाहिए तो नहरें बनाई, नहरें बनाकर खूब पानी दिया, नदियाँ की नदियाँ मोड़ दी, ठीक है। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते कि एकल फसल पद्धति और बहुफसली पद्धति में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले हम फायदे देख लेते दोनों के, अपने अपने क्या फ़ायदे हैं। तो जो बहुफसल प्रणाली है जो हमारी पुरानी चली आ रही थी, उसका फ़ायदा ये था कि प्राकृतिक रूप से रोग और कीट का नियंत्रण हो रहा था, वो हमने देख लिया। वो प्राकृतिक रूप से जमीन के विभिन्न स्तर से पोषक तत्व ले रहे थे, तो पोषक तत्व प्रबंधन भी चल रहा था, क्योंकि ऊपर से भी ले रहे थे, नीचे से भी ले रहे थे, तो मिट्टी में एक एरिया में ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद फसल पूर्ण हानि का नुकसान नहीं था, जैसे कि हमने देखा उड़द, मान लीजिए बारिश 60 दिनों में ख़त्म हो गई तो उड़द पैदा हो जाते थे, ठीक है। मक्का सूख भी जाती थी तो उड़द में कुछ ना कुछ हो जाता था, तो ये हमें फ़ायदे थे, कुछ फ़ायदे थे, ठीक है। उसके बाद हम एकल फसल पद्धति के फ़ायदे देखे, तो उसमें ये है कि जो एक फसल हम बोते उसका ज़्यादा पैदावार मिलेगी, ओबियसली एक खेत में एक ही फसल बोते उसी की पैदावार मिलेगी, दूसरी फसल तो नहीं उगेगी उसमें। उसके बाद मशीनीकरण आसानी से हो जाता है, ये दो फायदे थे एकल फसल पद्धति के। वहीं नुकसान अगर हम देखें तो बहुफसली पद्धति जो है उसके दो नुकसान थे कि लेबर ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, ठीक है। और एकल फसल पद्धति के अगर नुकसान देखते तो वो तो अनगिनत हैं, यूँ समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ बड़े बड़े उदाहरण लिखे हैं जिसमें कीट और बीमारी लगातार पड़ती है, क्योंकि वो नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम था वो टूट गया था, वो प्राकृतिक रूप से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसलिए आपका जो रासायनिक का खर्च है वो बढ़ गया था, ठीक है। मिट्टी की केवल ऊपरी परत या निचली परत से ही आप उठाते हो, खास करके ऊपरी परत से, चावल और गेहूं वाले सिस्टम में मिट्टी की ऊपरी परत, ऊपर की परत से ही आप पोषक तत्व उठाते हैं आपके पौधे, तो वो परत पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है न्यूट्रिएंट का, तो आप बहुत ज़्यादा यूरिया और डीएपी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हो, तो वहाँ पर पूरा इम्बेलेंस हो जाता है, प्लस खर्च आपके बढ़ जाते हैं, ठीक। एकल फसल पद्धति में ये पूरी की पूरी एक सिंगल फसल है, मान लो इसमें बीमारी लग गई या कोई कीट लग गया जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं केमिकल से या कुछ जो भी तरीके हैं उनसे, तो होगा क्या है कि वो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, तो उसमें पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एक बहुफसली पद्धति में किसान को एक फसल से कुछ ना कुछ मिल रहा था, लेकिन एकल फसल पद्धति में यही नुकसान है कि पूरी की पूरी फसल जाने के चांसेस रहते हैं, तो उस पूरी फसल जाने के चांसेस हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि केमिकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास करके कीट और रोगों को रोकने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे खर्चे बढ़ा देता है। प्लस दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो हमें शायद नहीं दिखती है लेकिन वो हो रही है, वो है प्राकृतिक अनियमितताएँ बढ़ाता है। पहली चीज़ प्राकृतिक अनियमितताएँ कुछ इस तरह से बढ़ती हैं कि मान लीजिए आपने जो आपके कीट है उनको मारने के लिए दवाई डाली या बीमारी को मारने के लिए दवाई डाली, लेकिन आपकी फसल पर मधुमक्खी आकर पोलिनेशन करती है, तो मधुमक्खियाँ को भी वो केमिकल लगेगा, वो रस लेगी पौधे से फूल से, तो उनको भी उनके शरीर में भी वो केमिकल जाएगा, तो केमिकल जाएगा तो वो उनके बच्चों में दिक्कत देगा। तो अभी ये दिक्कत कुछ रिसर्च आ रही है जिससे ये पता चल रहा है कि मधुमक्खियाँ छत्ता बनाना भूल जाती हैं, मधुमक्खी अपने घर से निकलती तो हैं 14 किलोमीटर चली जाती है लेकिन वापस आना भूल जाती, रास्ता भूल जाती है, या फिर वो सिग्नल जो देते थे पहले एक दूसरे को कि इधर जाना है इधर जाना है, इधर फूल इधर पानी है, तो वो सिग्नल देना भूल जा रही है,
तो कुल मिला के मधुमक्खियों को नुकसान होने लगा है। मधुमक्खियों को नुकसान मतलब पूरी प्रकृति का नुकसान है, क्योंकि मधुमक्खियाँ सिर्फ आपकी फसल में ही पोलिनेशन नहीं करती हैं, वो प्रकृति में ऐसे वो और भी सैकड़ों फल फूल पौधे वृक्ष पेड़ पौधे हैं जिनमें पोलिनेशन करती हैं। अगर सोचिए मधुमक्खी ख़त्म हो जाएगी तो बबुल में पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो उसमें फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज नहीं गिरेगा, बीज नहीं गिरेगा तो आने वाले 20 सालों बाद बबूल दिखेगा ही नहीं। ऐसे कैसे और भी कई सारी फसलें हैं जिनमें कि पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी का होना ज़रूरी है। तो ये एक नेचुरल इम्बेलेंस क्रिएट कर रहा है हमारा जो केमिकल का यूजेज है, एकल फसल पद्धति जो जिस जो लेकर आई है। ठीक है, तो एकल फसल पद्धति के साथ में आया है केमिकल का यूजेस। उसके बाद मैंने लिखा बाज़ार भाव में नियंत्रण बढ़ाता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो शायद हम लोग को नहीं बताई गई है या बहुत लेट पता चली हमको। ठीक है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद हमने गेहूँ और चावल पर ध्यान दिया और फिर दालें वगैरह हमने लगभग बंद ही कर दी। जब आप दालें उगाना बंद कर दोगे तो लोग तो बढ़ रहे हैं खाने वाले, दाल तो क्यों ही खाएंगे, उनको टेस्ट तो वही चाहिए, फ्लेवर तो वही चाहिए, तो दालें और मसाले तो उतने ही उगाने पड़ेंगे, चाहिए तो वही, बढ़ रही डिमांड लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया। तो हुआ ये कि ओवरऑल डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई तो उसके भाव बढ़ गए दालों के इनके। तो बीच में कुछ सालों पहले आया था कि दाल माफिया और पल्स माफिया के बारे में जानकारियाँ चल रही थी, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है दालें छुपा कर रखी थी और फिर बाद में बड़े ऊंचे भाव आने के बाद निकाल रहे थे हाई रेट पर। तो ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है ये हुई है सिर्फ गेहूँ और चावल पर ध्यान देना और बाकी फसलों पर ध्यान ना देना उसकी वजह से। खैर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदली है, समय के साथ बदलाव हुए हैं, नए रिसर्च हुए हैं, ज़्यादा दालों के पैदावार पर ध्यान दिया गया है सब है, लेकिन आखिरकार बाजार भाव में अनियमितता ही गेहूँ और चावल का जो कंपेरेटिव भाव था जो 70 और 80 के दशक में था, कंपेरेटिव जो दूसरी फसलों की तुलना में था वो ज़्यादा था। लेकिन आज हम देखें तो गेहूँ और चावल कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं 11 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, तो 20 रुपये किलो, तो 22 रुपये किलो, तो चावल गेहूँ के भाव हैं। ठीक है, जबकि उनको पैदा करने में मेहनत बहुत लगती है, पानी लगता है, लेबर लगती हैं, उनको हार्वेस्टिंग करना, बुआई करना, सारी चीज़ें एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो कॉस्ट तो कम नहीं हुई है, कॉस्ट तो बढ़ गई है क्योंकि फर्टिलाइज़र और केमिकल का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन जो उनकी इनकम है वो कम हो गई किसान की, तो इससे किसान को नुकसान होने लगा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक, दोनों ही रासायनिक चीज़ें हैं तो दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ में आता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ में लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कैसे हुआ कि जब आप चावल और गेहूँ ही उगाओगे तो दोनों ही उतली जड़ों वाले हैं, दोनों ही जमीन के ऊपरी सतह से पोषक तत्व उठाते हैं, तो दोनों को ही उस एरिया से पोषक तत्व उठाना है तो वहाँ पर कमी हो गई। ठीक है भाई, घर में दो मटके रखे, दोनों में पानी भराया, आप एक ही मटके से लगातार पानी पियोगे तो वो तो खाली होना ही है, दूसरे मटके में कोई पानी पीता ही नहीं है, मतलब निचली सतह में कोई जड़ जाती ही नहीं है, तो वहाँ तो पोषक तत्व पड़े हैं लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है, तो ऊपरी सतह में आपके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, प्लस इनकी डिमांड ज़्यादा है, ये पौधों को ज़्यादा पैदा देने के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो हमने भरपूर रासायनिक जो फर्टिलाइज़र्स है वो डाले, यूरिया, DAP, SSP, बाकी के जो फर्टिलाइजर्स है वो। तो हुआ ये कि जब आप पोषक तत्व जब आप यूरिया वगैरह डालते हैं ज़्यादा मात्रा में तो पौधा हरा भरा हो जाता है, ये आपने सबने देखा होगा, किसान भाई नॉर्मली डालते हैं तो ऐसा आप सभी ने देखा ही होगा, जब पौधा हरा भरा हो जाता है तो वो जैसे ही यूरिया मिल के पानी मिलता है हरा भरा होता है तो वो टेंडर हो जाता है। टेंडर मतलब कह लो कि नाजुक परिस्थिति में होता है, बहुत ही नाजुक परिस्थिति में होता है पौधा, और उसी वक्त आपकी फसल में कीट व्याधि बीमारी आदि लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आपने भरपूर यूरिया 12 दिन फसल में 3 बार यूरिया डालो तो 3 बार पौधा नाजुक स्थिति में आता है, 3ों बार नाजुक स्थिति में आता है उसी वक्त उसमें पेस्टिसाइड लगना पेस्ट लगना शुरू होते हैं, चाहे कीट लगे या बीमारी लगे। तो ये जब लगती हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ इसलिए गई कि आपकी सारी फसलें एक जैसी हैं, चावल है तो पूरा चावल है, आप एक जगह स्प्रे करोगे तो वो दूसरे खेत में चला जाएगा, दूसरे में स्प्रे करोगे तीसरे खेत में चला जाएगा। ठीक है, वैसे गेहूं में भी यही हुआ, चावल की आधी बीमारियां और आधे कीट तो गेहूं में लगते हैं तो उनको लगातार खाना मिल रहा है तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो लगातार बढ़ते गए तो आप अलग अलग तरह की बीमारियां आप फेस कर रहे हैं, वो चावल हो गेहूं हो या फिर तंबाकू हो या फिर फ्रूट्स हो, सब में यही सिचुएशन हो गई है कि हम लगातार केमिकल का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार केमिकल का यूज़ हो रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। कंट्रोल नहीं होने की वजह है रोग प्रतिरोधक क्षमता, सॉरी केमिकल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना। होता है ना कि एक बच्चा छोटा है वो बहुत मस्ती करता था, उसको ना 2 थप्पड़ मारो शुरू के दिन बहुत लगेगी, उसको रोएगा, दूसरे दिन भी मारो रोएगा, तीसरे दिन भी यही, चौथे 5वें दिन, 6ठे दिन, 10वें दिन, 15 दिन बाद वो सोचेगा छोड़ो यार क्या है 2 थप्पड़ में खा लेते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। खा लेगा वो, दो थप्पड़ खा के भी खुश रहेगा, बोले दो ही तो खानी है, तो खुश रहेगा, मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई है उस चीज़ के लिए, तो उसमें दुख नहीं होता उस बात का और होता नहीं है। उसी तरीके से कीटों और बीमारियों में भी होता है, आप उन पर एक बार केमिकल डालो मरेंगे, दूसरी बार डालो वो फिर कुछ मरेंगे कुछ बच जाएंगे, तीसरी बार डालो जो बचने वाले होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना, चाहे वो खरपतवार में हो, चाहे वो कीटों में हो, या चाहे वो बीमारियों में हो, किसी में भी हो। तो एक ही सिंगल फसल बोने का नुकसान, फ़ायदा तो ये है कि बहुत सारा पैदा होता है, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। नुकसान ये है कि आपके जो रोग और कीट और बीमारियां हैं, जो खरपतवार हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है रसायन के प्रति, तो आपको रसायन बार बार बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप पहले एक रसायन लेकर आए, फिर 10 लेकर आए, फिर उनका एडवांस वर्जन लेकर आए, फिर उनमें और ज़्यादा मजबूत वाले लेकर आए। ठीक है, तो इस तरह से आपके रसायन का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ गया है, डोज बढ़ गए हैं, तो किसान के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था एकल फसल पद्धति लाना और उससे खरपतवार का उससे सॉरी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना उसमें और रसायन का इस्तेमाल करना। उसके बाद अगले जो पॉइंट्स थे हमारे, वो सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। तो भारत तो नदियों से भरपूर है, भारत में बहती हुई नदियाँ हैं उतनी शायद किसी देश में नहीं है जितने हमारे भारत देश में है। तो हमारी सरकारों ने क्या किया है कि नदियों को मोड़ना शुरू किया, हमने डैम बनाए, हमने नहरें निकाली, बड़ी बड़ी नहरें बनाई और पूरी नदी की नदियाँ मोड़ना शुरू कर दिया। और हुआ ये कि जब नहर में जब पानी आता है तो किसान की मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है कि नहर चल रही है तो खोलो, तो वो क्या करता है नहर का पानी एज इट इज़ अपने खेत में खोल देता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पानी इसे मोड़ देता है। मान लो कि चावल के खेत में पानी की ज़रूरत 1000 लीटर की है, लेकिन 10000 लीटर आ रहा है तो 10000 लीटर भी जाता है। तो एक तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, दूसरा ज़मीन में ज़्यादा पानी जाने की वजह से ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक गीला होगा, तो आपने जो यूरिया डाला, पोषक तत्व जो भी डाले, वो ज़मीन पानी में जो घुलते हैं घुल जाएंगे, वो ज़मीन में नीचे चले जाएंगे, लेकिन आपके पौधे की जड़ तो ऊपर है, तो पौधा तो ऊपर ऊपर से जो है वो ले लेगा, लेकिन जो बाकी नीचे चला गया उसका क्या, वो तो वेस्ट हो गया। तो जो पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग की दक्षता, वो कम हो जाती है। ठीक है, और खरपतवार आने लग जाते हैं, क्योंकि खरपतवार की जड़ें तो गहरी होती हैं, वो अलग अलग जड़ों के अलग होते हैं, तो जिसकी जड़ गहरी होगी वो गहरी जड़ से भरपूर पोषक तत्व उठाएगा, उसके वहाँ कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, और उठाएगा और आएगा, और वो आपको खरपतवार के लिए फिर केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अभी तक हरित क्रांति, इसमें हमने जो काम किए और उससे मिला ये कि हमें भरपूर फसलें पैदा हुई, हमने खूब सारा अनाज पैदा किया, हमने बेचा, खूब पैसा कमाया। यहाँ तक था हमारा एक पहला जो विषय था वो पूरा हुआ, इतिहास प्लस मॉडर्नाइजेशन, जो आज तक का एग्रीकल्चर हम देखते आ रहे हैं। ठीक है।